देश को आजाद हुए 70 सालों से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान देश के लोगों में कई तरह के बदलाव हुए हैं। लोग सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर विकसित हुए हैं, जिससे समाज में सभी लोग सम्मान से जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहां ऊंच नीच, जात पात कर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गांव हो या शहर, ऐसे मामले कभी भी सामने आ ही जाते हैं, जो हमारे समाज की इस घटिया सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। इससे पता चलता है कि आज भी लोगों के दिमाग में पुरानी मानसिकता भरी पड़ी है। लोगों को उनकी घटिया सोच ने किस तरह से जकड़ रखा है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगाइए कि जीते जी नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के गुजर जाने के मौके पर भी उन्हें ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। ग्राम चांदपुरा अहिरवार समाज के कन्हैया लाल का स्वर्गवास हो चुका है, तो गांव वालों ने उन्हें जो सरकार द्वारा जो आता है ना टीन सेट, उन पे नहीं जलाने दिया, उनको नीचे जलाने का बोला कि आप नीचे जला सकते हो, यहाँ पर हमारे बूढ़े जो पुराने लोग हैं वो उनको जलाया जाता है, आप अहिरवार समाज के हो तो आप नीचे जला सकते हो। ये घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज इलाके के चांदपुर गांव की है, जहां एक दलित बुजुर्ग कन्हैया अहिरवार का देहांत हो गया और उनका अंतिम संस्कार करने जब उनको शमशान घाट ले गए तो वहां पर बने चबूतरे पर दलित का अंतिम संस्कार करने पर आपत्ति जताते हुए दबंगों ने कहा कि अगर अंतिम संस्कार करना है तो उन्हें नीचे करना पड़ेगा, यानी कि वहां बने हुए चबूतरे पर जहां अंतिम संस्कार होता है वहां नहीं होगा, नीचे अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दबंगों की आपत्ति के बाद शव को लेकर पहुंचे परिजनों ने दबंगों को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने सिपाहियों को मौके पर भेजा, लेकिन इसके बाद भी दबंग तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद आखिरकार दबंगों की मर्जी से चबूतरे के नीचे ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब खरगोन में पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं तो इतनी बड़ी वारदात पर आखिर प्रशासन अभी तक चुप क्यों है? आखिर क्यों सरकार के संज्ञान में ये मामला अभी तक नहीं लाया गया? जाहिर है जब ऐसी वारदातों पर कोई एक्शन नहीं होता तो ऐसा करने वाले लोगों के हौसले और बढ़ते हैं और ऐसी घटनाएं थमने की जगह बढ़ती जाती हैं। जब उन पर कोई एक्शन नहीं होगा तो ऐसे मामले आखिर कहां थमेंगे? सोचने वाली बात है। आप लोगों को इस पर क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।